Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am back with the topic personality. In the personality theories, in which I am going to take Olpert's trait theory of personality. So let's start. ऑलपर्ट देखिए, जब हम लोग पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, व्यक्तित्व पढ़ते हैं, तो हम ऑलपर्ट की ही डेफिनेशन पढ़ते हैं. आपको याद होगा कि ऑलपर्ट ने पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन किया है, कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट, है ना. तो ऑलपर्ट का पर्सनैलिटी से नाता पुराना है. गॉर्डन ऑलपर्ट वॉज अ पाइनियर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु क्रिएटेड पर्सनैलिटी थ्योरी. इन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी बनाई. ही इज नोन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी, व्यक्तित्व के सिद्धांतों के फाउंडर्स माने जाते हैं. द ट्रेट थ्योरी, देखिए आपको ये भी पता होगा कि थ्योरीज जब हम पर्सनैलिटी की पढ़ते हैं तो उनको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ट्रेट थ्योरी और टाइप थ्योरी. तो ट्रेट थ्योरी में ऑलपर्ट ने अपनी थ्योरी दी थी. The trait theory of personality suggests that people have certain basic traits and it is the strength and intensity of those traits that account for personality differences. जो trait theory है वो इस पे based है कि लोगों में, व्यक्तियों में कुछ basic trait होते हैं. trait को आप गुण ही समझ लीजिए, मूलभूत उनके कुछ गुण होते हैं और उस गुण कितने वो स्ट्रेंथन है, गुण कितने मजबूती से उनके अंदर विद्यमान है, कितने इंटेंस हैं, उस हिसाब से उनके व्यक्तित्व में अंतर होता है. The trait approach to personality is one of the major theoretical arrays in the study of personality. personality थ्योरी में, पर्सनैलिटी के अध्ययन में, व्यक्तित्व के अध्ययन में ट्रेट अप्रोच का महत्वपूर्ण योगदान है. ट्रेट थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज आर कंपोज्ड ऑफ ब्रॉड डिस्पोजिशन. ट्रेट थ्योरी ये मानती है कि जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है उसमें ब्रॉड डिस्पोजिशन होते हैं. हिज इंपॉर्टेंट बुक ऑन पर्सनैलिटी वॉज पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन. इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी जो उन्होंने लिखी थी, कि पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन, 1937 में. ऑलपर्ट इज बेस्ट नोन फॉर द कंसेप्ट दैट ऑल्दो एडल्ट मोटिव्स डेवलप फ्रॉम इन्फेंटाइल ड्राइव्स, दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ देम. ऑलपर्ट कॉल्ड हिज कंसेप्ट फंक्शनल ऑटोनॉमी. ये ऑलपर्ट, मतलब ये ऑलपर्ट के बारे में बातें कि पर्सनैलिटी से वो जुड़े रहे, पर्सनैलिटी के फाउंडर, पर्सनैलिटी थ्योरी के फाउंडर में से एक हैं. ट्रेट थ्योरी दी है इन्होंने, इन्होंने बुक लिखी है और बहुत कुछ. और ऑलपर्ट पर्सनैलिटी पे क्या कहते हैं, ऑलपर्ट बिलीव दैट ए पर्सन्स पर्सनैलिटी वॉज डिटरमाइंड एट बर्थ. वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व तो जन्म के समय ही सुनिश्चित हो जाता है. ही हाइपोथेसाइज्ड दैट एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट प्लेड अ रोल इन शेपिंग देयर पर्सनैलिटी. इन्होंने ये भी परिकल्पना की, ये माना कि जो व्यक्ति है उसके अनुभव और उसका वातावरण उसकी पर्सनैलिटी के निर्माण में, शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अकॉर्डिंग टू ऑलपर्ट एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट environment and the interaction between the two concepts. ऑलपर्ट ने के अनुसार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसके बचपन के अनुभवों, उसका प्रेजेंट, उसका जो वर्तमान वातावरण है और उनके बीच के जो इंटरैक्शन, मतलब कि बचपन में जो आपको अनुभव मिले वो और जो प्रेजेंट टाइम में आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है वो, उन दोनों के इंटरैक्शन पर निर्भर करता है. हिज अप्रोच फेवर्ड एम्फेसिस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द एडल्ट पर्सनैलिटी रादर देन दोज ऑफ द इन्फेंटाइल इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस. उनकी जो अप्रोच है, उनका जो उपागम है, वो एडल्ट पर्सनैलिटी की समस्याओं पर ज्यादा इम्फेसिस करता है, बजाय इसके कि इन्फेंटाइल जो शैशवावस्था में इमोशंस और एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं. इन बिकमिंग, ये भी इनकी किताब है, 1955 में लिखी गई. इसमें इन्होंने स्ट्रेस किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एंड द यूनिकनेस ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी, मतलब कि वयस्क व्यक्तित्व की विशिष्टता और सेल्फ की इंपॉर्टेंस पर उन्होंने बल दिया है. द सेल्फ ही कंटेंडेड इज एन आइडेंटिफाइबल ऑर्गेनाइजेशन विद इन ईच इंडिविजुअल एंड अकाउंट्स फॉर द यूनिटी ऑफ पर्सनैलिटी, हायर मोटिव्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ पर्सनल मेमोरीज. मतलब सेल्फ, जो आपका स्व है, उस पर इन्होंने बल दिया है. ट्रेट क्या है, चूंकि ये ट्रेट थ्योरी है तो ट्रेट जानना जरूरी है. ट्रेट किसको कहेंगे, ट्रेट इज ए पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट मीट्स थ्री क्राइटेरिया. ये व्यक्तित्व का गुण है जिसके तीन मानदंड होते हैं. कौन कौन से, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, ये सतत आप में विद्यमान होना चाहिए, स्टेबल, स्थायी होना चाहिए एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल जाएगा. मतलब अगर हम में कोई गुण ऐसा है जो सतत है, स्थायी है, तो वो हमारा ट्रेट कहलाएगा. कोई भी गुण हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, पंक्चुअलिटी हो सकता है, हार्ड वर्क हो सकता है ना, ये सब. बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, a trait can be thought of as a relatively stable characteristic that causes individuals to behave in certain ways. So, is paribhasha ke anusar jo trait hai, jo gun hai aapka, wo aapka ek
रिलेटिवली मतलब सापेक्ष रूप से स्थायी गुण है, और इंडिविजुअल्स को ये मतलब इंडिविजुअल्स इसी की वजह से सर्टेन वेज में बिहेव करते हैं. द कॉम्बिनेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ वेरियस ट्रेट्स फ्रॉम ए पर्सनैलिटी दैट इज यूनिक टू ईच पर्सन. और ये कॉम्बिनेशन भी, ये इंटरेक्शन सब में अलग होगा, सब इसके लिए यूनिक होगा व्यक्ति का. According to the American Psychological Association, APA, a human personality trait is a stable internal characteristic presented through behaviors, habits and attitudes. जो हमारा trait होता है व्यक्तित्व का, वो कैसे दिखाई देगा? हमारे व्यवहारों से, हमारी आदतों से और हमारी अभिवृत्तियों में झलकता है. Personality traits are enduring and consistent components of a person. जो personality के trait होते हैं वो एंड्योरिंग होते हैं, एंड्योर करते हैं, चलते हैं लंबे समय तक, कंसिस्टेंट कॉम्पोनेंट एक व्यक्ति के होते हैं. पर्सनैलिटी ट्रेट्स हेल्प समराइज व्हाट ए पर्सन इज लाइक एंड हेल्प प्रिडिक्ट ए पर्सन्स चॉइसेस. अगर हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट पता चल जाएंगे तो ये बताया जा सकता है कि हम क्या हैं और हम क्या चुनेंगे, मतलब भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो पर्सन क्या चुनेगा, उसका चुनाव कैसा होगा. ट्रेट थ्योरी इज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग दीज इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. और जो ट्रेट थ्योरी है वो यही इसी पे फोकस करती है कि कैसे आपके पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाए, मेजर किया जाए. ए पर्सन्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स वुड मेक अप देयर मोटिवेशन एंड एक्शंस. हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट ही हमारा, हम क्यों मोटिवेट होंगे, कैसे मोटिवेट होंगे, ये तय करते हैं, हमारे एक्शंस तय करते हैं. Alpert would later refer to personality traits as personality dispositions. बाद में उन्होंने ट्रेट को डिस्पोजिशन का नाम दे दिया. अब ये है मेन इनकी Alpert की ट्रेट थ्योरी. The first trait theory was proposed by psychologist Gordon Alpert in 1936. मतलब ट्रेट थ्योरी में सबसे पहले इन्होंने ही दी थी, और इन्होंने तीन लेवल में ट्रेट बताए. इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास तीन ट्रेट होते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी. यही हमको याद रखना है. कार्डिनल ट्रेट क्या है? Alpert suggested that cardinal traits are rare. मतलब जरूरी नहीं है सब में होंगे, रेयर हैं, दुर्लभ हैं एंड डोमिनेटिव, और बहुत मतलब प्रभुत्वपूर्ण रूप से व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं. यूजुअली डेवलपिंग लेटर इन लाइफ, मतलब बाद में जब हम वयस्क हो जाते हैं तब ये उभरते हैं हमारे अंदर. दे टेंड टू डिफाइन ए पर्सन टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर नेम्स बिकम सिनोनिमस विद देयर पर्सनैलिटी. और वो इस कदर हम पर हावी होते हैं कि व्यक्ति को उसी हिसाब से परिभाषित किया जा सकता है, या व्यक्ति के नाम के सिनोनिम हो जाते हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं, जैसे भी आपको बताते हैं. कार्डिनल ट्रेट्स आर ऑफन सो स्ट्रॉन्ग दैट दे इंपैक्ट और इवन कंट्रोल अदर पीपल. ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दूसरे व्यक्तियों पर भी नियंत्रण रख सकते हैं, कर सकते हैं. Alpert बिलीव दैट नॉट एवरीवन हैज ए कार्डिनल ट्रेट. है ना, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास कार्डिनल ट्रेट हो, एंड दैट देयर एग्जिस्टेंस इज रिलेटिवली रेयर, इसलिए सापेक्ष रूप से थोड़े दुर्लभ हैं. अब अगर पॉपुलर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखें कि हिस्ट्री में कौन कौन से लोग हुए जिनके पास कार्डिनल ट्रेट थे, तो आप समझिए हिटलर, मदर टेरेसा, ईच क्लियरली पजेसिंग ऑपोजिट कार्डिनल ट्रेट्स ऑफ रूथलेसनेस एंड सेल्फलेसनेस. है ना, रूथलेसनेस, हिटलर इतना निर्दयी और मदर टेरेसा इतनी सेल्फलेस, मतलब उनको किसी एकदम निस्वार्थ भाव से काम करने वाला. तो निस्वार्थ भाव का जो पर्यायवाची मदर टेरेसा हो गई है, रूथलेसनेस का पर्यायवाची हिटलर हो गया है. तो ये सब में नहीं पाए जाते हैं, और जब जिसमें पाए जाते हैं वो बिल्कुल डोमिनेटिंग होते हैं, ये कहने का मतलब. सेंट्रल ट्रेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म बेसिक पर्सनैलिटी फाउंडेशन. सेंट्रल ट्रेट हमारे केंद्रीय गुण हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन होते हैं. व्हाइल सेंट्रल ट्रेट्स आर नॉट एज डोमिनेटिंग एज कार्डिनल ट्रेट्स, दे डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स यू माइट यूज टू डिस्क्राइब अनदर पर्सन. लेकिन मतलब ये कार्डिनल जितने प्रभुत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन तब भी व्यक्ति का मेजर आप कैरेक्टरिस्टिक इससे डिफाइन कर सकते हैं. सेकेंडरी ट्रेट क्या है? सेकेंडरी ट्रेट्स आर समटाइम्स रिलेटेड टू एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस. सेकेंडरी ट्रेट को आप कभी कभी अभिवृत्ति या प्रेफरेंस भी कह सकते हैं. दे ऑफन अपीयर ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस और अंडर सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस. और ये हमेशा आपको नहीं दिखेंगे, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट दशाओं में ही समझ में आते हैं. जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी ट्रेट वुड बी गेटिंग नर्वस बिफोर डिलीवरिंग ए स्पीच टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. हम एकदम नॉर्मल हैं, अच्छे से हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, हार्ड वर्कर हैं, सब हैं, लेकिन एक बड़ी समूह के लोगों के सामने अगर स्पीच डिलीवर करनी और हम नर्वस हो जाएं, तो ये हमारा सेकेंडरी ट्रेट है. मतलब ये हमें ऑल टुगेदर डिफाइन नहीं कर रहा है, बट ये हमारे अंदर है और सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में ही दिखाई देता है. तो ये हो गई गॉर्डन Alpert की थ्योरी. 1936 में साइकोलॉजिस्ट गॉर्डन Alpert फाउंड दैट वन इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी अलोन कंटेन मोर देन 4000 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स. ही कैटेगराइज्ड दीस ट्रेट्स इनटू थ्री लेवल्स, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी. कार्डिनल का मतलब कि ये ट्रेट जो डोमिनेट करेगा इंडिविजुअल के लाइफ को, रेयर होता है, डेवलप लेट में होता है. सेंट्रल ट्रेट ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे बेसिक फाउंडेशंस बनाते हैं. टर्म्स लाइक जैसे इंटेलिजेंट, ऑनेस्टी, शाई, एनेक्शियस, ये सब हमारे सेंट्रल ट्रेट हैं.
और सेकेंडरी ट्रेट, ये ट्रेट वो हैं जो सम जिनको कभी कभी आप एटीट्यूड या प्रेफरेंसेस भी कह देंगे, और जो सर्टेन सिचुएशंस और स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में ही जनरेट होते हैं, जैसे इम्पेशेंट व्हाइल वेटिंग इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में है तो हम एकदम अधीर हुए जा रहे हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी ट्रेट है. नर्वस हो जाए जब हमको भाषण देना है, तो ये सारी बातें. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑलपर्ट्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. ऑलपर्ट को जानिए, उन्होंने पर्सनैलिटी पे क्या कहा. ट्रेट को जानिए, ट्रेट थ्योरी के ये फाउंडर हैं. सबसे पहले इन्होंने ट्रेट थ्योरी दी है 1936 में, और तीन तरीके के ट्रेट बताए, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी. कार्डिनल आपका रेयर है, डेवलप लेट में होता है, लेकिन एकदम हमारा पर्यायवाची बन जाएगा अगर होगा तो. सेंट्रल जो हमारी बेसिक फाउंडेशन है, जो हमारा बेसिक नेचर बता रहे हैं, और सेकेंडरी जो कभी कभी और स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में जनरेट होते हैं. That's all about Alpert's trait theory of personality. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.